साहिब। जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। किसी को भी दुख देना ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए जेंटलमैन, कुछ लोग शिष्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, वो किसी भी प्रकार से कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। आप सावधान रहें, आपसे किसी को किसी भी तरह दुख नहीं मिले। आप इतने सावधान रहना कि आपको अगर किसी से दुख मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको पीड़ा मिलती है। इसी तरह आपके द्वारा दिए हुए दुख से किसी को पीड़ा ही तो मिलेगी। जैसा व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही दूसरे से करें। जैसा व्यवहार आप अपने प्रति नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार आप किसी के प्रति नहीं करें। आपको कोई गाली दे तो ज़रूर आपको पीड़ा होती है, तो आप दूसरे को गाली क्यों दे रहे हैं? पीड़ा देने के लिए। आपको कोई मारे तो आपको कष्ट होता है। एक बात मैं सोचता हूँ, अपने क्रोध को नियंत्रित किया जाना चाहिए, अपने अंदर के दोषों को नियंत्रित करो। जब भी आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो हिंसा करते हैं, क्रोध से आप में हिंसा आती है। जब आप क्रोधित होते हैं क्या करते हैं? या तो किसी को गालियां देने भगते हैं। अब वो कटु मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, स्वर्ण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। तो उसको पीड़ा ही तो दे रहे हैं, या फिर उस पर हमला करते हैं, उसको मारते हैं। वाह भाई, कहाँ मारना, कितना बड़ा कष्ट देना है, कितनी बड़ी पीड़ा देनी है, आइए देखते हैं। एक आदमी ने क्या किया, एक कुत्ते को लाठी मारी कमर में खींचकर। पीछे कुत्ते की कमर बड़ी कमज़ोर होती है, दोनों उसकी कमर टूट गई। वो बेचारा हमेशा अब क्या करता था, पिछली दोनों टांगों से घिर्राता हुआ चलता था और कहीं रोटी खाता। देखो, इसने अपने क्रोध को काबू नहीं किया। एक अबोध से जीव को क्या ज्ञान है उसके पास में, कहीं इधर उधर घूम रहा था, उसको लाठी ऐसी मार दी उसकी। ये था क्रोध। अब वो जीवन भर उसने अपने जीवन पोषण के लिए, भोजन पाने के लिए कितनी परेशानी उसको उठानी पड़ी। किसी भी जीव को आप कष्ट न दें। इस सृजन के जितने भी जीव हैं ये पर एक ही आत्मा है सब में, ये धर्म कह रहे हैं। इसलिए किसी भी प्राणी को नहीं मारना, केवल यही धर्म तो कह रहे हैं। मांस नहीं खाना, हिंसा नहीं करना, यही तो धर्म कह रहा है, यही तो एक विशेषता थी। और अगर हम मांस खाने लग गए, गंदे काम करने लग गए, जो भी मांस खा लिया वो धर्म से डाउन हो गया, क्योंकि वो सिद्धांत उसने तोड़ दिया, वहीं तोड़ दिया उसने सिद्धांत। इसलिए इस संस्कृति में मांस खाने की जगह कतई है ही नहीं। साहब ने तो अपनी वाणी में यहाँ तक कह दिया, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इसकी संगत मत करो, होय भक्ति मेहान। लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं। पता है मैं क्या कहता हूँ अपने पंथ के लिए, अपने लिए मैं कहता हूँ हम ही हिंदू हैं। मैं ही लगा रहा हूँ, ये ही बड़ा क्रांतिकारी शब्द हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई हम सत्य और अहिंसा का कंप्लीट फुलफिल कर रहे हैं इस कंडीशन को, जो इस संस्कृति है, इस धर्म की। मांस खाने वाला मेरे विचार से हिंसक हो गया, जिसमें सत्य और अहिंसा का अभाव आ गया उस वो हिंदुत्व से नीचे गिर गया, वो संस्कृति से नीचे गिर गया। ये तो एक संस्कृति है, ये तो एक आचरण है हिंदुत्व। बाकी जो हम संबोधन है वो तो केवल एक एरिया में बसने के कारण से है, इंडीज। और जैसे देखिए अब लोगों ने बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया, क्योंकि वो सही में था ही मुंबई। अंग्रेजों से मुंबई उच्चारण नहीं हो रहा था, बॉम्बे कह दिया। तो बाद में हम लोगों को हमेशा कहा नहीं नहीं भाई हमारी मुंबई थी, ये बॉम्बे बॉम्बे क्या था, बॉम्बे उनसे उच्चारण मुंबई नहीं हो रहा था, वापस देखिए मुंबई। अब देखिए कोलकाता, अब पहले कलकत्ता था, अब उसको संशोधित करके कोलकाता कह दिया, क्योंकि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ये कलकत्ता नहीं है इसका नाम, ये तो हमारा कोलकाता था शब्द, उनसे कोलकाता उच्चारण नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हिंदी की तुलना में काफ़ी पंगु है। हिंदी में तोताराम लिखो
और टोटा राम लिखो, तो टी ओ टी ए आर ए एम तोता राम, और टोटा राम के लिए भी टी ओ टी ए आर ए एम होगा। अब टोटाराम तोताराम दोनों झंझट हो गया, पर हिंदी कभी काफ़ी संपन्न है, वो तोताराम भी लिखना जानती हैं, इसके पास काफ़ी कोश है, और टोटाराम भी लिखना जानती हैं, और अंग्रेजों की भाषा में अगर टोटाराम लिखोगे तोताराम और टोटाराम दोनों एक जैसे होंगे, टोटाराम अलग हो गया और तोताराम अलग हो गया, इसलिए उनके उच्चारण में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो उनका उच्चारण क्लियर नहीं है, इसलिए उन्होंने कोलकाता को कलकत्ता बोलना शुरू कर दिया, इसलिए इंडूस को हिंदूस धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते, जैसे ये शीलनिधि नगर था, राजा शीलनिधि श्रीनगर के राजा थे, इसका नाम था पहले शीलनिधि नगर, धीरे 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 इसको उच्चारण शीलनिधि कहना थोड़ा टफ लगा और अभी श्रीनगर हो गया, और इसको कैके देश कहते थे, कैके ही यहाँ की थी, कश्मीर की थी, धीरे धीरे कैके का नाम परिवर्तित होते होते कश्मीर बन गया। आप देखते हैं कुछ चीज़ों के नाम लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो बस ऐसा हो जाता है। मुझे एक चुटकुला याद आ गया, एक हमारे लेक्चरर साहब थे, तो हैं अभी भी, उनको लोग कहते थे मास्टर जी, तो वो बुरा मानते थे, और जब बुरा मानते थे लोगों ने मौजू लेने के लिए उनको मास्टर जी बोलना शुरू किया, तो मैंने सोचा भाई इस तरह से वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, स्वभाव ख़राब हो जाएगा। मुझे बचपन की एक बात याद आ गई, हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता था बूढ़ा, पीली पगड़ी बांधता था, बच्चे लोग उसे छेड़ते थे, कहते थे ओ पीली पगड़ी, बस वो क्या करता था चिढ़ जाता था, पत्थर लेकर गालियां बकता हुआ भागता था बच्चों के पीछे, बच्चों को बड़ी मौज आती थी, धीरे धीरे वो बूढ़ा पागल हो गया, और जब इतना दौड़ता था उसकी पगड़ी भी खुल जाती थी, धोती भी खुल जाती थी, दौड़ता जाता था, और बच्चों ने सही में उसे पागल बना दिया। मैंने दिल में सोचा ये लेक्चरर साहब को भी दुनिया कहीं पागल नहीं बना दे, क्योंकि वो दृश्य मेरे सामने घूम रहा था और वो लेक्चरर साहब मेरे कार्यकर्ता भी थे। मैंने कहा भाई लेक्चरर साहब को लोगों, मैंने कहा भाई क्यों चिढ़ते हैं आप, आपको अगर कोई मास्टर कहता है नहीं चिढ़ो, बोला मैं तो हल चाह रहा था ना, बोला बाजी वाह आप फौज में सूबेदार थे, अब आपको कोई हवलदार कहे तो आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं बोला मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि जो हवलदार बोलेगा तो मैं सोचूंगा ये हवलदार को शायद बड़ा मान रहा है, इसको सूबेदार का पद का मालूम नहीं है, अगर मालूम भी है ऐसा बोल रहा है तो मुझे छेड़ना है, मैं क्यों छेड़ूँ, मैं तो बुरा नहीं मानूंगा कम से कम। बोला नहीं जी इनको पता भी है, जानकर मास्टर बोलते मुझे। मैं बोला मास्टर उपाधि कोई छोटी नहीं है, पहले आप मास्टर थे, चलो लेक्चरर, अभी प्रोफेसर हुए कुछ भी, अच्छा ठीक है। वो नहीं मान रहे थे, बोला नहीं, वो एग्री नहीं हुए। फिर मैंने लोगों से कहा, अपनी संगत से कहा, भाई देखो इनको लेक्चरर कहा करो, क्योंकि मैं तो समझौते के पक्ष में था, उसी रास्ते पर था, तो मैंने कहा भाई इनको कोई मास्टर नहीं बोले अगर ये चिढ़ रहे हैं, लेक्चरर बोलो। तो उसमें एक बुढ़िया उठी, बोला साहब जी हमने इनको मास्टर ही बोलना है क्योंकि लेक्चरर फ्रेक्चरर हमसे उच्चारण नहीं हो पाएगा, कहीं इसका उल्टा सीधा बन जाएगा, हमने इसको बोलना है मास्टर ही। तो मैंने कहा भाई फिर अब आपस में निपट लो। मुझे एक बात इसी जगह पर और याद आ गई, पाइनएप्पल मेरे एक भांजे ने लेकर के फ्रिज में रखा था, हमारी बहन बेचारी थोड़ी अनपढ़ है, पाइनएप्पल का उच्चारण उसको नहीं आता था, अनानास का पाइनएप्पल बोलना नहीं आ रहा था, तो अपने बेटे को कहा फ्रिज से जल्दी बेटे वो राइफल निकाल लाओ। तो बेटा हंसने लगा, बोला मम्मी ये मेहमान तो भग जाएगा राइफल का नाम सुन करके, कि ये कहीं शूट करना चाहते हैं। वो पाइनएप्पल को राइफल बोला, पाइनएप्पल उच्चारण नहीं हो पा रहा था। अभी भी कुछ लोगों को देखता हूँ स्कूटर का उच्चारण नहीं कर पाते, ट्रैक्टर का उच्चारण नहीं कर पाते। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा साहब जी हमने इनको मास्टर बोलना है, क्योंकि लेक्चरर फ्रेक्चरर कुछ और बन जाएगा तो ये तो लाठी लेकर मारने आ जाएगा, हमने इसको बोलना ही मास्टर जी है। खैर कोई बात नहीं है, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में तो दुनिया ये थोड़ी उलझ भी जाती है। तो इस तरह अंग्रेजों से ये सिंधु नदी की सभ्यता को इंडीज कहा गया, धीरे 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 इंडूज और वह हिंदूज हो गया। बस ये तो एक महान संस्कृति है, इसमें हर रहने वाला, इस गंगा और जमुना के, गंगा और सिंधु के डेल्टे में बसने वाला हर आदमी तो हिंदू है, यही तो इकबाल भारती ने भी कहा। जैसे पंजाब में रहने वाला हर आदमी पंजाबी तो है, पहले वो पंजाबी है भाई, महाराष्ट्र में रहने वाला हर आदमी महाराष्ट्री है,
इसी तरह ये हमारी संस्कृति हिंदूज हैं, गंगा और सिंधु के बीच रहने वाले जो हैं, ये सिंधु नदी का डेल्टा है, क्योंकि सिंधु नदी बहुत बड़ी है और गंगा जी भी विशाल है, ये दोनों नदी का डेल्टा है। नदियाँ दो ही भारत की हैं भाई, आप कहेंगे तमाम नदियों के नाम हैं, बाकी कुछ नदियाँ गंगा की सहायक हैं, कुछ नदियाँ सिंधु नदी की सहायक हैं। अब गंगा की सहायक नदियाँ कम हैं, इसलिए सिंधु नदी को बड़ा माना गया, स्ट्रक्चर में बड़ी है, क्योंकि गंगा जी में दो तीन नदियाँ मिलती हैं जा कर के, बड़ी नदी एक जमुना जाती है और एक घाघरा आदि हैं मिलती है, कम नदियाँ गंगा में मिलती हैं। सिंधु नदी में तमाम नदियाँ मिल जाती हैं, पांचों जो पंजाब में बहने वाली नदियाँ हैं सिंधु में आगे जा कर के मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आदि, ये जितनी नदियाँ हैं ये सब सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। आगे उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। दरअसल इसके बीच में जितना भी डेल्टा है ये इन्हीं दो नदियों ने सपाट मैदान बनाया है, हालांकि थे पहाड़ी पहाड़, वो मिट्टी बहाते 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 ले आए, तो इस डेल्टे के बीच में जो रहने वाले थे उनको इंडूस कहते थे, क्योंकि सिंधु नदी को सिंधु को इंडीज भी कहते हैं, वो इंडूस यूरोपियन लोग आर्य लोग जो आए उनको उच्चारण नहीं हुआ, बस उससे ये बात हुई। पर ये तो एक महान संस्कृति है, ये एक बहुत ग्रेट संस्कृति है, इसलिए इसमें आगे साहब अपनी वाणी में आगे भी सत्य के ऊपर भी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई अहिंसा। अब अहिंसा, आप हिंसा न करें, किसी भी जीव को मन वचन कर्म से कभी कष्ट न दें, आप अपनी वाणी श्रेष्ठ बोलें, इसलिए उच्चारण संस्कृत में बड़ा उत्तम है, बड़ा टॉप है, बड़ा श्रेष्ठ है। अंग्रेज कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें अपनापन नहीं दिखता है, पर विवेकानंद जी ने एड्रेसेस इन शिकागो में जाकर कहा भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, देखो इसमें कितना अपनापन है, बड़ा अपनापन है। हमारी ये भाषा महान संपन्न लैंग्वेज है, हमारी संस्कृति महान संपन्न संस्कृति है, हमारी ट्राइबल कस्टम्स बड़ी ग्रेट ट्राइबल कस्टम्स है, धीरे धीरे इसमें मिश्रण होता गया, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, आवश्यकता इस बात की कि हम इसको समझें, बेसिक चीज़ अपने धर्म के बेसिक सिद्धांतों को ठीक से समझें। अहिंसा, मन वचन कर्म से ये धर्म कह रहे हैं, किसी को भी पीड़ा नहीं देना, आप किसी को गलत ना बोलें, रिस्पेक्टेड बोलें, जब भी आप इज्जत से बोलेंगे बोलचाल, अच्छा आदमी को भाई बोलचाल से जाना जाता है, ये क्या है भाई बोलचाल, एक तो बोल तो होता है बोलना, चाल होता है चलना, एक श्रेष्ठ चाल है, एक अहंकार की चाल है, सीना फुला करके बाहें फैला करके आदमी चल रहा है, वो क्या दिखा रहे हैं, अपना छोटापन तो दिखा रहे हैं, उसको देखकर कोई भी शरीफ आदमी अच्छा इंसान नेक इंसान तो नहीं कह पाएगा ना। तो ये धर्म कह रहे हैं सत्य और अहिंसा, मनसा वाचा करना, किसी को भी पीड़ा नहीं देना, ये सिद्धांत है इस धर्म का। आप खुद सोचें ये कितना ऊंचा सिद्धांत है कि मन वचन कर्म से हम किसी को तकलीफ नहीं दें, हम सच बोलें, सत्य के आठों अंगों को अनुकरण करें, और जो भी आदमी इन दो गुणों को अपनाएगा, सत्य और अहिंसा को, वो साधारण नहीं रहेगा। अब लक्ष्य क्या है धर्म का, मुक्ति, ये सावधान कर रहे हैं धर्म, खबरदार दुनिया के विषय विकारों में ज़्यादा नहीं जाना, सावधान कर रहे हैं, इंद्रियों के फेर से बचना, आत्मा का कल्याण, मोक्ष इस धर्म का लक्ष्य है। तीन मान्यते हैं, ईश्वर है, आत्मा अमर है, और हम सब कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख, जन्म और मरण की प्राप्ति करते हैं। और सिद्धांत दो, सत्य और अहिंसा, और मोटो लक्ष्य है इस धर्म का मोक्ष की प्राप्ति। कि भाई सावधान रहें, ये ज्ञान योनि है, ज्ञान चोला है, मानव तन को प्राप्त करके मुक्ति की प्राप्ति की चेष्टा करना। कैसे करना, कह रहे हैं वेदानुकूल, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके बाल ब्रह्मचर्य रह करके पूरा जीवन ब्रह्म का चिंतन करते रहना और ब्रह्म की प्राप्ति करना। अगर आप अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो फिर शादी कर लो 25 साल की उम्र में, देख लो क्या है गृहस्थ आश्रम,
25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहो, 50 से 75 वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है विषय विकार न करें, धीरे धीरे अपने हाथ को संसार और माया से खींचते जाएं। पति पत्नी दूध पानी की तरह रहें और बायोलॉजी के लिए भी माताएं बहने रजो निवृत्त हो जाती है। और 75 से 100 साल तक संन्यास्त में कैसे रहो, संन्यास्त में अचानक किसी रात्रि को दोनों उठ करके पूरब और पश्चिम की दिशाओं में विपरीत दिशाओं में पति पत्नी चले जाना और संन्यास धारण करना, घर से 80 कोस 160 माइल लगभग 250 किलोमीटर दूर चले जाओ, किसी को अपना पता नहीं बताना, ब्रह्म का चिंतन करते करते बाकी जीवन गुजारना, क्योंकि अंतमतः सागत है। इतना दूर इसलिए चले जाना ताकि कोई आपको ये नहीं बताए तुम्हारे लड़के को किसी ने गाली दी, किसी ने ये किया, आप चले जाओ। आदेश दिया भोजन कहाँ से खाएंगे, समाज को आदेश दिया, ऐसा सन्यासी जहां मिले उसको भोजन देना, नहीं तो दोष लगेगा। ये समाज को आदेश दे दिया। और क्या करे, ताकि अपना लगाव सांसारिक चीजों से नहीं रहे, मन संसार में नहीं रहे, इसके लिए मोक्ष अर्थात भावनाओं पर, इच्छाओं पर, अंतःकरण पर, मन पर नियंत्रण करने का संदेश हमारे वेदों ने भी दिया है। आइए देखें, पर वेद चार मुक्ति तक की बात कर रहा है, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, जीवन का लक्ष्य ये बोला, इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो। पर देखते हैं क्या हम सामीप्य मोक्ष के बाद में संसार सागर से पार हो जाते हैं, नहीं, पितर आदि लोकों में पहुंचते हैं, पुनर्जन्म विद्यते। क्या सालोक्य आदि मोक्ष से हमारा कल्याण हो जाता है, स्वर्ग आदि वैकुंठ धामों की प्राप्ति होती है, उसके बाद पुनर्जन्म विद्यते, हम अपने कर्मों को भोग करके फिर जन्म ले लेते हैं, वेद सफा कह रहे हैं। इसी तरह सारूप्य और सायुज्य में भी मनुष्य निराकार आदि ब्रह्म स्वरूप आदि को प्राप्त होता है, लेकिन दोबारा पुनर्जन्म विद्यते, आत्मा इस संसार सागर में आ जाती है। यहां तक तो ये बात है, पुनर्जन्म विद्यते अर्थात चारों तरह की मुक्तियों के बाद में फिर जन्म मिलता है। पर कहीं एक ही साथ तो संतत्व की धारा और वेद मत भी चल रहा है मोक्ष के तलाश में, मोक्ष के मार्ग पर। आगे जाकर के चार मुक्तियों का स्थान गौण रह जाता है, संतत्व की धारा कुछ आगे चलती है। वो कह रहे हैं भाई इस संसार सागर से पार होने के लिए तीन लोक से पार होना पड़ेगा, तीन लोग पढ़ ले तराई चौथा लोग अमर है भाई। पहली तो ये बात, मैंने संस्कार से अपनी बात उठाई थी, क्या है ये संस्कार, इसी से बार बार जन्म मिल रहा है, कर्मानुकूल कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, वो कर्म कर्मगत टारे ना ही टरी, इसका मतलब है हम सब कर्मों के कारण ही जन्म और मरण को प्राप्त कर रहे हैं। और साहब का ये शब्द सतर्क कर रहा है, कर्मगत टारे नाहे टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्मगत टारे नाहे टरी। वह भाई कर्म की का फल भोगना पड़ जाता है, राम जी जैसे पूत को भी कर्म का फल भोगना पड़ा।